क्या कीमत है अभी इसकी? इसकी 8.5 लाख रुपए है। कम से कम 50 अरब का कारोबार होता है यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। 12 अगस्त को बकरीद का दिन है और यह दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए पवित्र और एक त्यौहार की तरह इसको मनाया जाता है। इस दिन वह बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस वक्त हम जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं और यहाँ पे बकरों की बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है। पूरे इंडिया में से यहाँ बकरा खरीदने के लिए और बेचने के लिए लोग आते हैं। अलग अलग नस्ल के बकरे हैं जो यहाँ पे आते हैं और उनकी कीमत है जो अलग अलग होती है। जहाँ करोड़ों का कारोबार है जो हर बकरीद के वक्त किया जाता है, परंतु सरकार की तरफ से कोई ऐसी इनको सुरक्षा या सुविधाओं के लिए कोई ऐसे बंदोबस्त नहीं किए गए और इस तरफ से लोगों में यह निराशा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि वो बकरीद को लेकर क्या सोचते हैं और जो पूरी यहाँ पे एक मंडी सजी हुई है बकरों की, कौन कौन सी नस्ल के बकरे आते हैं और उनकी क्या क्या कीमत है, आइए लोगों से जानते हैं। ये कुदरती बकरा है, अल्लाह लिखा हुआ है इस पे। मैंने 1.5 साल से पाला है, भजनपुरे का बकरा है जी। अब आप इसकी कितनी कीमत मांग? कीमत मैं 1.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ उसके। 1.5 लाख मांग रहे जी। और एक वो दांत जिसका टूटा वगैरह, और ये दांत वाला क्या? वो दता वो दांत का होता है, 4 दांत का बकरा है। 4 दांत का बकरा है तो भी अब इसके 2 लाख मारे। अभी इसके आए नहीं खरीदने? कस्टमर लगे जाफराबाद में लगे थे, मैं समझ में तो पहली बार लेकर आया हूँ इसको। तो वहाँ क्यों नहीं बेचा? वहाँ पर मुझे पसंद नहीं आया, कम पैसे लगे। आप देख सकते हैं कि इस बकरे के ऊपर नेचुरल में है जो अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इस पे। इधर भी लिखा हुआ है लेकिन दोनों साइड है, इधर साफ नहीं आया। एक साइड पूरी तरह साफ दिख रहा है और एक साइड पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा है। और भाई साहब बकरे का है जो 2 लाख मांग रहे हैं जी। तो क्या लगता है आपको, बिक जाएगा जी? नहीं बिकेगा कोई बात नहीं, मैं पाल लूंगा इसको और 1 साल के लिए। और तो फिर बेच क्यों रहे हैं? बस देखने आ गया मैं भी मार्केट में क्या चल रहा है जी। मार्केट में क्या चल रहा है? और आपके पास कितनी है? ये कौन सी नस्ल कह रहे थे? ये नकल बरबरा बकरा है। कौन सी? देसी बकरा है। देसी बकरा है जी, इसकी कोई नस्ल नहीं जी, आम जो नॉर्मल पाया जाता है ऐसा बकरा है। ठीक है जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद। कितने रुपए में खरीदे आपने ये? 22 का ये जी। और ये 21 का है? जी जी 21 का। खरीदा ही नहीं है। हाँ। तो इनकी एज क्या क्या है अभी? इनकी एज दो साल के हैं। तो आप इनको बकरीद पे वो करेंगे? हाँ, बकरीद पे कुर्बानी करेंगे। जी हाँ जी। तो क्या कौन सी नस्ल के हैं ये? अजमेरी नस्ल के हैं जी। है जी। ठीक है जी। तो एक होता है कि एक दांत का इसका वो दो दांत 4 दांत इसका क्या हिसाब होता है ये दांत वाले का? ये दांत वाले का जो ऊना होता है ना, जिसके दांत का उसकी नहीं होती ऊने की, और जो जिसके 2 दांत होते हैं उसकी होती। 4 दांत वाले की नहीं होती? होती उसकी भी वो ज्यादा, लेकिन ऊना जो होता है ना उसकी नहीं होती, जिसके दांत नहीं होते 1 साल। हाँ, एक और होता है जिसके सींग बड़े बड़े और काफी हैवी होते, उसको दुमा उसका उसकी भी होती मेड़ा, वो महंगा मिलता जी इधर काम। हाँ, वो क्या फर्क है इनमें? इनमें बस वो भी लोग बाग उसकी भी करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट महंगी है। किसी को पसंद हो जाए, किसी को कुछ पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है ना। किसी को बकरा पसंद है, किसी को मेड़ा पसंद है, जो यहाँ पसंद आ जाए। तो मेड़े पे ज्यादा पसंद है ज्यादा। कितने का कारोबार हो जाता है पूरे बकरी तक आपका? वो तो अभी तो एस्टीमेट ही नहीं मारा। ये तो इसका तो लिमिट ही नहीं है, कम से कम अरबों का हो जाता है। अरबों का? हाँ। तो सरकार की तरफ से आपके लिए कोई सुविधा की गई है? सरकार की तरफ से नहीं मिली हमें तो, नहीं मिली अभी तक, कोई सुविधा मिली नहीं सरकार से नहीं। मतलब यहाँ कोई आपके बैठने का, खड़े होने का, और ये आप खुद हमें कोई मोल लेके अपने पास से करना पड़ता है। क्या नाम है जी आपका? मुशाहिद नाम है मेरा। ये कौन सी नस्ल का है बकरा? ये मेवाती है। मेवाती है। क्या कीमत है अभी इसकी? इसकी 8.5 लाख रुपए है। और यहाँ पे जो बहुत सारे बकरे हैं, और कितने का कारोबार होता है बकरीद के? बकरीद के वक्त तो कम से कम 50 अरब का कारोबार होता है यहाँ पर जी। कितने लोग आते हैं यहाँ से बकरा खरीदने के लिए? यहाँ पर बकरा खरीदने के लिए लोग आते हैं
ये समझ लो कम से कम 1 करोड़ आदमी आता होगा। 1 करोड़ आदमी आता। सरकार की तरफ से आपको कोई स्पेशल सुविधा मुहिम करवाई? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ पर सरकार की तरफ। और आपका ये पक्का ही यहीं पे आप मतलब बकरे? बिल्कुल यहीं पर बेचते हैं। बेचते हो। और कितनी नस्ल के बकरे? हमारे पास 10 नस्ल के बकरे हैं। 10 नस्ल के बरबरा होता है, अलबरी होता है। ये 10 बता दीजिए। अब यार वो मेवाती होता है, इंदौरी होता है, पाकिस्तानी होता है, पंजाबी होता है, नेपाली होता है। सबसे ज्यादा किस नस्ल का बकरा? सबसे ज्यादा इंदौरी। इंदौरी सबसे बड़ा नस्ल है इंदौरी। और आप इसको कब से पालना शुरू कर देते हैं? ये को 2 साल 2.5 साल का बकरा है ये। जी, 1 साल का बच्चा लेके 2 साल पालते हैं। 1 साल का बच्चा लेके 2 साल, 3 साल में बनते हैं ये। 3 साल बाद तो इस बार है, जो इस बार बकरीद आ रही है, तो इस बार कितने का आपको अनुमान है कि कारोबार हो सकता है पूरे जो यहाँ बकरे का? लगभग हो सकता है 40-50 अरब का। 40-50 अरब। शुक्रिया जी। हमें तो कम से कम 14-15 साल से ज्यादा होगी। हर साल को आती है बकरी बेचने? हर साल को आते हैं। कितने बकरे लेके आते हैं आप यहाँ? बाथेरी लाते हैं, 100-200 बच्चे लाते हैं बेचने। तो कौन कौन सी नस्ल के ज्यादातर बकरे आते हैं? बर्रे बच्चे भी आधे नस्ल के आते हैं, अजमेरी भी आते हैं, देसी बच्चे आते हैं, बर्रे आते हैं। और कौन सी नस्ल के बकरे हैं जो ज्यादा बिकते हैं? बड़े वाले ज्यादा बिकते हैं, मेवाती बच्चे ज्यादा बिकते हैं, मेवाती बच्चे ज्यादा लेते हैं। और बड़े बकरे क्यों नहीं खरीदे जाते? बोनी को बच्चा बोलते हैं। बड़े के बोलते हैं, बड़े रहते हैं वो। तो क्या लगता है आपको किस बात है जो कितने के रुपए का आपका कारोबार हो सकता है? हमारा तो सबका ही कारोबार है, जो कितने लाता है, कितने के बेचारे लाता है, वो कारोबार करते हैं, हर कारोबार करते हैं सबका। और अगर सबसे अगर महंगे बकरे की बात की जाए तो लास्ट रेंज क्या है? लास्ट रेंज की तो कोई बात ही नहीं। कुछ लोग देसी पसंद करते हैं जो राजस्थानी होते हैं, कुछ लोग बरबरा पसंद करते हैं जो यूपी से बिलोंग ज्यादा करते हैं। यूपी नॉर्थ यूपी से ज्यादा बिलोंग करता है। डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है इंसान की, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशलिस्ट ही होता है कि इसी चीज का चाहिए या वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जी। और अगर सबसे महंगे बकरी की अगर बात की जाए तो यहाँ मिल सकते हैं? कितने का लास्ट रेंज क्या है? ये डिपेंड करता है कि कैसी नस्ल है, कैसा नहीं है जी। और उसका बायर भी होना चाहिए जी। कहने को तो 50,000 भी मांगते हैं, 1 लाख भी मांगते हैं। डिफरेंट बायर की चॉइस भी तो होनी चाहिए ना। मतलब जो यहाँ पे बायर्स आते हैं खरीदने के लिए जी, जी। वो कितने की रेंज तक का बकरा लेते हैं ज्यादातर? इसमें कोई रेंज डिपेंड नहीं करती जी। हमारे मैं बजट लेके चलाऊंगा, मुझे 20,000 का माल खरीदना है जी। और चीज अच्छी पसंद आई जी तो 22 का भी ले सकता है, 25 का भी ले सकता है। ऐसे कोई डिपेंड नहीं है कि भाई एक रेंज फिक्स है कि भाई इतने का ही लाना है जी। डिपेंड करता है, ये मसला है चॉइस का जी। और इसमें कोई सेल्स भी नहीं है कि भाई कोई गोश्त बेचना है या कुछ, ऐसा कोई वो नहीं है। चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है इसकी जो वैल्यू है। जो बकरा खरीदने के लिए आते हैं वो पूरे इंडिया से आते हैं? नहीं, ये तो दिल्ली की मार्केट है तो दिल्ली का ही। नहीं नहीं, जैसे बेचने वाले आते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं? देखिए, जो दिल्ली के नियर स्टेट होते हैं, जैसे यूपी है, नॉर्थ यूपी होगी, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मेवात तो इसी के साथ, तो यही लोग आएंगे। जो महाराष्ट्र का आदमी है वो इधर नहीं आएगा, गुजरात का वो इधर नहीं आएगा, वो बॉम्बे जाएगा। और आप साउथ में जाएंगे तो वो तमिलनाडु हो गया, आपका बंगाल हो गया, तो अलग अलग डिफरेंसेस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बंदे यहाँ ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू। क्या नाम भी आपका? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ से आप? बरेली शरीफ से। बरेली से आपके पास ये सारे बकरे आपके हैं? आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि भाई साहब के पास बहुत नस्ल के बकरे। ये अलग अलग नस्ल के सर? ये सब अलग अलग नस्ल के हैं, राजस्थानी नस्ल के हैं, कोई देसी नस्ल के, हर नस्ल का बकरा होता है। हर नस्ल का बकरा। तो आपके पास कितने रेंज तक के बकरे हैं? बकरा हमारी रेंज के यही है, 30,000, 32,000, 27,000, इस रेंज का बकरा एक एक। जी जी। और एक वो दांत का वो होता है, वो क्या सिस्टम होता है? जो दांत, एक दांत होते हैं किसी के, 2-4, ये वो 2 दांत का बकरा होता है, 4 दांत का बकरा होता है, उसका मतलब बकरा अच्छा होता है। जो होता है, जो 6 दांत का होता है वो पुरान हो जाता है, मतलब उसका कीमत भी, डिमांड भी कम होता है। जो 2 दांत 4 दांत का होता है उसका डिमांड ज्यादा होता है, क्योंकि वो अभी बच्चा माना जाता है, अच्छा नया तंदुरुस्त होता है बच्चा। जी जी। तो अभी आप कितने बकरे यहाँ पे लेके आए? यहाँ पर बकरे लेकर आए थे हम 50, सब बकरे बिक गए, 16 बकरे बचे। 16 बकरे। जी, शुक्रिया सर आपका।
तो ये थी दोस्तों हमारी आज की खास कवरेज। अभी हम जामा मस्जिद से कवरेज कर रहे हैं और जहाँ पे बकरों की है जो बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि मंडी लगी हुई है और लोग बकरीद के लिए यहाँ से बकरा खरीद के लेके जाते हैं और यहाँ पे करोड़ों का कारोबार होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियोज़ को देखें और उनको भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ बांटें। धन्यवाद।